उत्तराखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मसला गढ़वाल और कुमाऊं के बीच आकर खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और अब राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में इस बात को लेकर पैरवी शुरू कर दी है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कुमाऊं में बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि छोटे से राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना मुश्किल है तो दो की मंजूरी कैसे मिलेगी। इस पूरे मामले में क्या सतपाल जी महाराज और सांसद अनिल बलूनी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग उठाकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बड़ा झटका दिया है। इस संबंध में अनिल बलूनी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान बलूनी ने पिथौरागढ़ दिल्ली हवाई सेवा और चिन्यालीसौड़ गौचर हवाई पट्टी विस्तार पर चर्चा की। 1 सितंबर से पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने सहमति दे दी है। लेकिन इस मौके पर राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री से कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि 2018 से रुद्रपुर में सेना के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल भी रही है। बलूनी के मुताबिक कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बलूनी ने कहा कि इस मुद्दे पर वो हर 10 दिन में केंद्रीय मंत्री से वार्ता करते रहेंगे। आज मैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री बिशन सिंह चौपाल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से हम लोगों ने मुलाकात की है। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। विशेषकर पिथौरागढ़ से जो हमारी एयर कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए और वहाँ से हवाई सेवा को नियमित रूप से चलाने के लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे और ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज़ होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा, ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। और कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इस पर भी जल्दी से कोई विचार कर रहे हैं और उसको फाइनलाइज करेंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों को आश्वासन मेरी तरफ से है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर 10 दिन के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ मुलाकात करके इन सभी मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। 1 सितंबर से पिथौरागढ़ की सेवा शुरू हो और उत्तराखंड के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलके इसको किसी भी तरीके से उत्तराखंड को एयर कनेक्टिविटी में एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से कुमाऊं में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग ऐसे वक्त में की है जब पहले से गढ़वाल मंडल के हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि चयन की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में एक कमेटी का गठन कर हरिद्वार में एयरपोर्ट के लिए भूमि चयनित करने के आदेश भी दिए हैं। सतपाल महाराज ये भी कह चुके हैं कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी अपनी सहमति जताई है। सतपाल महाराज का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत जल्द भूमि का चयन कर लिया जाएगा और इस मसले को कैबिनेट में लाकर अति शीघ्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में रिव्यू मीटिंग हमारी 18 जून को हुई है और इसमें हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे, प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो आज हमारी पहली बैठक है ये जिसमें कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी प्रतिनिधि जो हैं एविएशन के और हमारे अधिकारी लोग जाएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों को लेकर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होना बेहद जरूरी है और अच्छी बात भी है। इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनता को ही फायदा मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भारी भरकम ढांचे, बड़े खर्चे को उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में दो दो जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बनेगा, क्या इसकी मंजूरी केंद्र सरकार देगी? अगर नहीं देगी तो फिर किसकी हार होने वाली है? अब ये देखना है कि दिल्ली में सिक्का किसका चलता है, सांसद अनिल बलूनी का या सतपाल जी महाराज का। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।